नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड का गंभीर मुद्दा इस वक्त रूपा तिर्की की आत्महत्या बना हुआ है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। सर, रूपा तिर्की जो कि साहिबगंज की पहली महिला थाना प्रभारी थी, जिनकी लाश उनके ही क्वार्टर में पंखे से लटका हुआ मिला और पुलिस इस जाँच में आत्महत्या का रूप दे रही है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार संवेदनशील है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। पीड़ित परिवार को जिस तरीके से भरोसा हो, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, संवेदनाएं हमारी भी उनके साथ है। जो हुआ वो काफ़ी दुखद है। एक वैसे परिवार से वहाँ तक पहुँचना आसान बात नहीं है जो ऊँचाइयाँ रूपा ने तय की थी। रूपा जी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसको लेकर सरकार निष्पक्ष जांच करा रही है और पीड़ित परिवार के साथ है। आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन अभी तक जहां मुख्यमंत्री हर किसी भी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन रूपा तिर्की के मुद्दे पर अभी तक रिट्वीट नहीं किए हैं, ट्वीट नहीं किए हैं, और उनके अगर बात करें या पदाधिकारी या जन प्रतिनिधि कोई भी रूपा तिर्की के घर में उनके परिवार से भी जाकर नहीं मिले हैं। सरकार से उनके खुद के परिवार रूपा तिर्की की मांग कर रही है कि सरकार CBI जांच कराए, लेकिन इस पर भी किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वहीं कुछ संगठन जो है वो रूपा तिर्की के परिवार के साथ है, विपक्ष जो है वो साथ है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है और घर वालों का भी यही है। दो एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस मौत के पीछे विपक्ष कोई राजनीति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और आपके सभी प्रश्नों का जवाब कुछ ही दिनों में उनके द्वारा दे दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि एक हमारी होनहार पदाधिकारी का असमय चले जाना हम सब के लिए असहज है। और इसी सरकार में वैसे पदाधिकारियों को मौका मिला था काम करने का, लेकिन परिस्थितियां क्या रहीं और क्या बात है, ये सब सारी बातें जांच में उभर कर सामने आएगी। और पीड़ित परिवार को जिस एंगल से लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता से सारी बातों की जानकारी रखे हुए हैं और कुछ ही दिन में जो चंद सवाल वगैरह आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं उन सब पर विराम लग जाएगा। दूसरी बात है कि इस मौत पर भी यदि कोई राजनीति करता है तो वो समस्या परे है। मौत पर राजनीति तो तब होगी जब राजनीति पार्टी आरोप लगाए, लेकिन राजनीति पार्टी के अलावा भी रूपा तिर्की के खुद के माता पिता भी यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जांच नहीं कराना चाहती है, CBI जांच से सरकार पीछे हट रही है और किसी तरीके का कोई संज्ञान भी इस पर नहीं लिया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रशासन की भी, तो वो भी कई हद तक इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है और जो रवैया जो पीड़ित परिवार के साथ है वो भी काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी, मैं जब बात की, तो उसके खुद के जो पेरेंट्स थे या फिर जो भी रिलेटिव है, उनका कहना है कि जब हम एक प्रशासनिक का ये घर है, लेकिन एक प्रशासन जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं वो काफ़ी दुखद है। आप वहाँ गए और उन्होंने जो बातें आपसे कही, उनकी भावनाओं से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिला के रहूँ। तो ये ट्राइबल, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और यहाँ पर आदिवासी बहुमूल्य राज्य में जिस तरीके से लोगों को मौका मिलता है, रूपा तिर्की भी उसी में से आती थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं आपके थ्रू कि रूपा तिर्की को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, चीज़ें कुछ ही दिन में आपके सामने आएंगे जब वो बातों को रखें। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जिन्होंने यह दावा किया है कि कुछ ही दिन में रूपा तिर्की की मौत को लेकर जो बातें चल रही हैं उस पर जल्द ही इस पे से पर्दा हटेगा और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर संवेदनशील है।
हालांकि अब देखना होगा कि राज्य के मुखिया इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सभी की निगाहें राज्य के मुखिया पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को भी ये लगता है कि झारखंड सरकार जो है वो इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जाँच नहीं कराना चाहती, CBI जाँच नहीं कराना चाहती। लेकिन अभी गठबंधन सरकार के मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ये दावा किया, आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा, रूपा तिर्की को इंसाफ जरूर मिलेगा।